आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बाल पत्रकार प्रेरणा के बारे में, जो कि मेरी तरह ही पत्रकार है। वह अपने समाज व बाल पंचायत की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर कहानी व न्यूज स्टोरी लिखती है। प्रेरणा एक गैर सरकारी संस्थान श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम प्लान के उमंग कार्यक्रम से प्रशिक्षित है और प्रेरणा ने अपनी बाल पंचायत की एक लड़की गंगा को उसकी पहचान का बाल अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज गंगा स्कूल पढ़ पा रही है। क्योंकि बार बार ये मुद्दा आ रहा था और गंगा एक दिन रो भी रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको किया जाए। और उसका जन्म पंजीकरण भी नहीं था, तो मैंने सोचा जैसे हम स्कूल जा रहे हैं वैसे गंगा भी स्कूल जाना चाहिए। तो हमने एक दिन बैठक कर और फिर हमको पता चला कि हमें किसी बड़े की ज़रूरत होगी, तो हमने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के कार्यकर्ताओं की इसमें मदद की। प्रेरणा ने वो अखबार में ना बाल पंचायत की तरफ अखबार में इसका मुद्दा दिया कि इसका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हमने अखबार को पढ़ा। तो उसके बाद हम भी यहाँ गांव में आए मीटिंग में, फिर हमने उसके द्वारा सरकार से मतलब जानना चाहा कि सर इसकी अगर इसका अब तक जन्म प्रमाण नहीं बना है, मतलब प्रयास का किसान नाम नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब तो उन्होंने मतलब हमने सूचना जाना चाहिए RTI के माध्यम से, मतलब सूचना अधिकार के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने मंत्री के पास किया, बताया कि वह क्योंकि आप कम कर सकते हैं मतलब उसको जिस तरह से, तो फिर प्रधान के पास सोचना कि उन्होंने फिर इसका नाम वहाँ दर्ज कराया, फिर यहाँ घर वाले से घर वाले फिर वहाँ खुद गए, फिर इसका नाम वहाँ दर्ज हुआ, फिर ये उसके बाद अब ये स्कूल स्कूल गई और स्कूल अब स्कूल जा रही है। हम गरीब आदमी हैं, इसलिए सभी ने मेरे ऊपर प्रश्न जो आगे बढ़ाओ, तो ये लड़की अभी गोविंदा स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ रही है। तो हमने उसके लिए पैसे जमा करके ड्रेस भी बनाई, फीस भी जमा की, और तब तक बहुत सारे लोग मान चुके थे कि ये भी पढ़नी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने उसके लिए ड्रेस बनाई और कुछ ने कहा कि हम उसके लिए ड्रेस बनाएंगे, कुछ ने कहा उसकी फीस दे देंगे, और ऐसे करके वो आप स्कूल पढ़ रहे हैं। नन्ही पत्रकार प्रेरणा के प्रयास से गंगा आज अपनी पढ़ाई कर पा रही है, वो खुश है, ग्रामीण समाज में उसका मान सम्मान बढ़ा है। प्रेरणा आज ऐसे ही बाल अधिकार के मुद्दों पर काम कर रही है, अन्य बाल पत्रकारों को इससे उत्साह मिला है। हमारी इस कहानी से सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों को और पत्रकार साथियों का भी उत्साह मिलेगा। इस विश्वास के साथ इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।